कोहनी एल्बो जमीन के समानांतर ले आएं। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, कोई भी प्राणायाम करने के समय बी श्योर दैट योर पाम इज नॉट फेसिंग डाउन, क्योंकि कोई भी प्राणायाम जब किया जाता है तो प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है, और प्राण ऊर्जा सक्रिय होने के बाद इट्स टेंडेंसी इज गो टू गो टू द अपर चक्रास, सो दिस विल एनहेंस यू, दिस विल हेल्प यू टू एनहेंस द एनर्जी टू द अपर चक्रास। आंखें बंद कर दें और रिदम के साथ में बगैर मुंह खोले 10, 15, 20 या 25 बार सांस को बाहर फेंकें, मुंह नहीं खुलना चाहिए। स्टार्ट। रिलैक्स। अब अपने दाहिने हाथ को नीचे लें, रुमाल का जरूरत हो तो निश्चित ही प्रयोग करें, क्योंकि क्लींजिंग प्रोसेस है, इट रिमूव्स द म्यूकस आउट। नसल पैसेज में अगर कोई म्यूकस एक्यूमुलेटेड है या फिर यहां पर कहीं भी यू कैन से म्यूकस इज देयर, तो इट क्लींजेस। अब राइट हैंड से ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, फोल्ड करें, एल्बो पैरेलल टू ग्राउंड, गर्दन सीधी, आंखें बंद, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल और बाईं नासिका से लगातार सांस को बाहर फेंकें रिदम के साथ में। रिलैक्स। नाउ इसी क्रिया को हम अब कपालभाति के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंपली वॉन्ट टू ओपन दीज नॉस्टल्स। तो ऐसा नहीं कि कपालभाति का समय 5 मिनट का है तो मुझे 5 मिनट कर रहे हैं, इफ ओनली 30 strokes या स्पीड में प्लीज मेंटेन द स्पीड 60 strokes per minute की गति से। फ्रेश एंड साउंड, टेक केयर। जिनको भी लगता है ऐसा कि आई नीड टू बी चेक, प्लीज दे कैन रेज योर हैंड्स अप सो आई कैन इमीडिएटली गो एंड चेक देम। इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यू आर डूइंग। थोड़ा स्पीड फास्ट है, स्पीड थोड़ा स्लो करो, स्पीड थोड़ा स्लो करो, थोड़ा स्लो करो। रिदम चेंज हुआ है, रिदम चेंज हुआ है, ट्राई टू प्रोड्यूस दिस फ्रिक्शन साउंड। थोड़ा फोर्स ज्यादा है, थोड़ा फोर्स ज्यादा है, थोड़ा रिलीज करो अपने आप को। चेहरे पर बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत टेंशन चेहरे पर, थोड़ा थोड़ा स्पीड को स्लो करो। यस, बस रिलैक्स। देखिए एक बात का यहां ध्यान रखें, कपालभाति का अर्थ होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आई चेक यू। कपालभाति का अर्थ होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इस समय जरा भी मूवमेंट मेरी चेस्ट में नहीं आता है, लेकिन मैं यहां देख रहा था कि कुछ लोग हैं ना, क्या करें, एक स्ट्रोक लेने के बाद में थोड़ा सांस को भर लेते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट मेरा यहां चला जाता है। आई विल शो यू, सी दिस इज कपालभाति, लुक एट माय एब्डोमिनल एरिया। राइट, आई एम कॉन्स्टेंटली एक्सहेलिंग। अगर मैं इनहेल करता हूं इन बिटवीन, ये देखिए, थोड़ा भी अगर चेस्ट को कॉन्शियस मूवमेंट आप दोगे तो सांस अंदर चली जाएगी और मूवमेंट आपका चेस्ट में आ जाएगा, विच इज नॉट द राइट टेक्निक ऑफ कपालभाति। राइट, फिर से एक बार करेंगे, मुझे कुछ लोग चाहते हैं चेक करें, तो फिर से हम इसको 160। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यस, हाँ, राइट। यस, यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड इट। कपालभाति पूरी दुनिया में, व्हेन 25 इयर्स बैक आई पास माय डिप्लोमा इन योगिक साइंसेस, सारे किताबों में, दुनिया के पुराने टेक्स्ट में 120 स्ट्रोक्स पर मिनट में लिखा है। रामदेव महाराज जब से आए हैं ये सजेस्टेड 60 strokes। जब वो आए तो मैं तो नहीं करता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इसका राज क्या, इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो देन आल्सो आई स्टार्टेड डूइंग 60 माईसेल्फ। मेरे सारे जहाँ बम्बई में 6 जगह क्लासेस चलते हैं, सभी जगह मैंने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बताया कि आप ऐसा करके देखो, एंड एवरीबडी टोल्ड मी, बलराम भाई दिस इज, वी फील मच बेटर। देखो अगर आप 120 स्ट्रोक्स जो पहले टेक्स्ट में लिखा हुआ, पुराने टेक्स्ट में, सी दैट द स्पीड लाइक दिस, आई कैन नॉट टेक माई
टमी इनसाइड परफेक्टली, लेकिन मैं सी स्पीड को स्लो कर देता हूं एट द स्पीड ऑफ एक एक सेकंड में एक स्ट्रोक. सी नाउ लुक एट माय एब्डोमिनल एरिया. दिस राइट स्पीड, स्पीड में अगर आप करोगे तो हालांकि कपालभाति मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, लेकिन अगर हम कपालभाति की स्पीड को 60 स्ट्रोक्स पर मिनट की गति से रखते हैं तो कपालभाति आपके मूलाधार चक्र को भी एक्टिवेट करता है. द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जहां कुंडलनी सोई रहती है, इनएक्टिव डॉर्मेंट ऑल द टाइम. अगर आप कपालभाति स्पीड से करो, मैं आज भी आई एम टेलिंग यू, मैं छोटा अलार्म जब मैं मुझे प्रैक्टिस घर में करने का बहुत कम मौका मिलता है, मेरे रोज ही क्लासेस रहते हैं, पर कभी मुझे मौका मिलता है घर में करने का, आई ऑलवेज टेक छोटा सा अलार्म सामने रखता हूँ एट द हाइट. थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो करो, थोड़ा स्लो, बाकी सब ठीक है. साउंड में क्लैरिटी, एक नासिका से करके देखो, एक नासिका से. यस, यस, रिलैक्स रिलैक्स. देखिए अगर आपको साउंड में क्लैरिटी चाहिए, यू हैव टू डू इट वेरी रेगुलरली. मेरी जरी का आवाज अगर आपको चाहिए ना, यू हैव टू बी वेरी रेगुलर इन दिस, क्योंकि अंदर जाम होता है ना, यू आर नॉट अवेयर, क्यों होता ही है. और जो लोग कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिदम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके जिंदगी में भरा हुआ गुबार है. मैंने देखा है, बीइंग ए काउंसलर आई कैम अक्रॉस सो मेनी केसेस, दे कांट प्रोड्यूस इवन ए सिंगल साउंड, इतना गुबार भरा रहता है उनके अंदर में. लेकिन हर रोज अगर कपालभाति करोगे, धीरे 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 धीरे, दैट इमोशनल सेंटर, द सेंटर ऑफ मच टेंशन इज नाभि चक्र. इफ यू एक्टिवेट दैट एवरी डे, तो फिर आपके, ऑफकोर्स सारा काम मेडिटेशन ही करता है ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन कपालभाति या प्राणायाम जो आपको क्या करता है, बॉडी को स्थिर करते हैं आसन, प्राणायाम आपके योग की अग्नि में ईंधन का काम करते हैं. राइट, अब हम चल रहे हैं एक आसन की तरफ जो हमने कल लिया था, जिसका नाम है प्रोत्तासन, जो सभी को करना चाहिए. आप अपने बच्चों को भी कराओ. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हो रहे हैं लोगों को, गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है. हम आईटी सेक्शन जब मैं प्रोग्राम कराने जाता हूँ कॉलेजों में, स्कूलों में, तो टीचर्स बहुत लाइक करते हैं, बोलते हैं सर ऐसा हर स्कूल में कराना चाहिए. आगे झुक कर बैठते हैं हम लोग. तो रेडी, पर्वतासन, दोनों बाहें कंधों की लंबी, नंबर वन, इंटरलॉक करें, टू, ले चले ऊपर, तीन, चार में टर्न करें और पांच में पुल करें. गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद करें, ब्रीदिंग को नॉर्मल मेंटेन रखें. जो खिंचाव बना है पोस्चर को विजुलाइज करें, जो खिंचाव बना है शरीर के अग्रभाग में, पेट, चेस्ट जिसको टॉर्सो कहते हैं, कंधे और गर्दन में, बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, और अपनी क्षमता अनुसार आसन में ठहरें. वापस आने के लिए आंखें खोलें, वन, बाहों को लूज करें, हथेलियां जमीन की तरफ, कंधों के लाइन में, इंटरलॉक को खोलें और बाहों को नीचे ले आए. शरीर, अगर प्रॉब्लम आपको शरीर में है, एंड देर इज सम रियली प्रॉब्लम विद द बायोलॉजी ऑफ द बॉडी, तो आपको डेफिनेट इसमें फायदा मिलेगा. लेकिन अगर आपके दर्द इमोशनल हैं, किसी बात को लेकर आप बहुत लंबे समय से नाराज हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, भयभीत हैं, दुनिया का कोई भी आसन प्राणायाम आपको टेम्परली रिलीज तो कर सकता है. या तो मैंने देखा है कई जगह पर, रिसेंटली आई वॉज राइटिंग वन केस, तो उनके पूरे बॉडी में पेन है. मैंने जब आसन कराया, आई वॉज अमेज टू सी हर बॉडी इज एब्सोल्युटली कमिंग लाइक दिस, फिर भी सारे शरीर में दर्द है. And they are only the emotional pains. And for that, meditation is the absolute answer to that. Ready? अब हम एक बार फिर से आसन को करेंगे. आसन का नाम है पर्वतासन. बाहें कंधों की लाइन में. Interlock the fingers. Take it up. Turn and pull. गर्दन सीधी. कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में जो खिंचाव बनाए हो उसे महसूस करें. बहुत सुंदरता से मेरे पेट के सारे विसेरा अंग इसमें स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक प्रॉब्लम्स में भी मुझे फायदा होता है. टू कम बैक स्लोली, आंखें खोलें, बाहों को लूज करें, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में, इंटरलॉक को खोलें, बाहों को नीचे ले आएं. पांच बार अगर कोई भी डिफेक्ट है, पोस्चरल डिफेक्ट है, मेरा शरीर थोड़ा आगे झुका हुआ है उम्र के बढ़ने की वजह से,
पीठ बाहर निकली हुई है, राउंडेड शोल्डर्स हैं, देयर का द पोस्चरल डिफेक्ट. 5 बार इस आसन को रिपीट करना चाहिए टिल द टाइम योर पोस्चर बिकम्स एब्सोल्युटली स्ट्रेट. थोड़ा भी अगर शरीर में टेढ़ापन आता है ना, दैट मींस योर स्पाइन इज समवेयर डिसलोकेटेड उनके वर्टिब्राज में. तो दिस इज द वंडरफुल पोस्चर जस्ट टू मेंटेन योर स्पाइन स्टेबिलिटी. और मेरुदंड अगर युवा तो आप युवा, मेरुदंड अगर वृत्त, मैंने कल भी बताया था कि स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं ना यहाँ से, वो काफ़ी इन्वॉरिगेट होते हैं. इलेक्ट्रिक जो एक केबल है ना यहाँ से निकलते हो ब्रेन से, वहाँ 33 वायर्स जुड़ी हुई हैं, 33 उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. अगर रोज अगर उसको एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा सक्रिय हो जाती है. अब खड़े हो जाएं और थोड़ा अलग अलग होके पैरों में इतना अंतर रखें साइड में, ये ध्यान रखें सभी, ताकि सभी आसन बड़े आराम से कर सकें. यस, पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें, हाथ से दूर रखें, थलियां आधी खुली आधी बंद लाइक दिस. योग स्थिति में आएं, पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के साइड में ले आएं, पंजों को बाहर करें. कितना आप झुक सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, महत्व का नहीं होता है, कितना आप अपने क्षमता से कर रहे हैं और सही कर रहे हैं वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा. रेडी, इंटरलॉक द फिंगर्स, तड़ासन सबसे पहला आसन. पूरे शरीर की थकान को, जो बैठकर आसन किया था उसे मानसिक थकान दूर होती है. आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग एंग्शियस, दैट मीन्स आपके शरीर में प्राण ऊर्जा इस वक्त टोटली क्या है, डिप्लेटेड है. तो दिस एनहेंसेज द पोस्चर एंड अल्टीमेटली जो है आपको थोड़ा उससे फायदा पड़ता है. हथेलियां जमीन की तरफ ले जाएं, नाउ टेक बोथ द हैंड्स अप, बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें खुली हुई, बैलेंसिंग पोस्चर रही, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन का सेंटर एक्टिवेट होता है ब्रेन में. अब धीरे से एड़ियां ऊपर उठाएं, पोस्चर को विजुलाइज करें. काफ मसल्स जंगा के पिछले भाग में, हमस्ट्रिंग मसल्स को एक्टिवेट करता है ये. एंटायर बॉडी इज बींग पुल्ड अप इन दिस पोस्चर. टू कम बैक स्लोली, धीरे से एड़ियां नीचे, बाहें नीचे, पैरों में अंतर ले लें. रिलैक्स, जहां भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, काफी लंबा ट्रेवलिंग हुआ है, घृणियाँ घर में बहुत काम करके थकी हुई हैं, हम आके बिस्तरे पर लेट जाते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट. उसके पहले अगर थोड़ा भी स्ट्रेच कर लिया करोगे ना, यू विल सी द ब्यूटी. दुनिया में जितने भी व्यायाम बने हैं ना, आउटडोर गेम्स हैं, जिमनास्टिक्स है, स्विमिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, लेकिन योग के समान रिलैक्सेशन किसी के पास नहीं है. आई एम टेलिंग यू, आई बीन एक्सपीरियंसिंग फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, चाहे पैरेटिक अटैक है, चाहे दो दो बार कमर के ऑपरेशन हुए, एवरीथिंग आई हैव सीन विद माय ओन आईज गेटिंग करेक्टेड विद द, इट्स ओनली नॉट ओनली फॉर द क्योर, इट इज बेसिकली फॉर द प्रिवेंशन. लेकिन बड़ी ही मैं कह सकता हूँ कि खराब बात ही है ये कि हमारे क्लास में दो कैटेगरी के लोग आते हैं स्टूडेंट्स, एक बीमार और दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति. जो ठीक है उनको लगता है कि लाइफ इज जस्ट टू एंजॉय लाइक दिस. रेडी, अब हम कर जा रहे हैं सेकंड पोस्चर, फॉरवर्ड बेन. बहुत ज्यादा कमर का दर्द हो तो इस आसन को नहीं किया जाता है. बैकवर्ड बेन 5 बार किया जाता है इसके बाद वाला आसन, ताकि कमर कैपेबल हो सके आगे मुड़ने के लिए. यस, दोनों बाहों को आगे से पीछे की ओर ले जाएं, फुली एट द बैक, धीरे धीरे, वेरी स्लोली, दोनों बाहों को सीधा आगे लाते हुए झुके आगे, घुटने सीधे रखें, बाहें ढीली करें, कंधे ढीले करें, माथा घुटने की ओर ले जाएं, आंखें बंद करें, घुटने सीधे रखें, काफ मसल में जो खिंचाव बना है उसे महसूस करें. आसन के अंत में आंखें बंद कर बाद बाहें, कंधे और गर्दन बिल्कुल ढीली, लेकिन गर्दन अंदर की तरफ, रिलैक्स. बाहों को नीचे रखते हुए ऊपर आ जाएं वापस, पैरों में अंतर ले लें पैरों में, टेक द डिस्टेंस इन द लेग्स. अब इसी का ही पूरक हम करने जा रहे हैं, बैकवर्ड बेन अर्धचक्र आसन, विच इज वंडरफुल पोस्चर फॉर द एंटायर बैक के. दोनों हाथों के अंगूठों को सती भाई ने रखा है पीछे, जस्ट लुक एट हिम हाउ इज कीपिंग. अब चारों ही उंगलियां कमर पर टिकाए रखें, एल्बोज को तान लें, गेट एल्बोज क्लोजर, घुटनों को सीधा रखते हुए चलें पीछे, कमर पीठ कंधा गर्दन स्लोली, सबसे आखिरी में गर्दन को कंधे के पीछे ड्रॉप कर दें, लिटरली ड्रॉप योर नेक एट द बैक, आईज क्लोज, घुटने सीधे, एल्बोज तने हुए, एंड एंजॉय दिस ब्यूटिफुल बैकवर्ड बेन अर्ध चक्रासन. आंखें खोले और धीरे से पूर्व स्थिति में चले आए, रिलैक्स. पैर मंत्र ले लें, हाथ से दूर रखें. चौथा आसन हम करने जा रहे हैं लेटरल बेंड परिस्थित चक्रासन. अस्थमा, दमे की शिकायत, सांस का फूलना, अपने आप को अशक्त महसूस करना, उम्र के बढ़ने के साथ में लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की ताकत कम हो रही है, लेकिन दिस आसन विल हेल्प यू टू मेंटेन योर विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द बॉडी. दोनों बाहें कंधों की लाइन में ले आए,
पैर में कंफर्ट डिस्टेंस रखें, आंखों के आगे सेमी सर्कल बनाएं और अपनी दाहिनी ओर टर्न हो जाएं, दाएं हाथ दाएं कंधा ढीला कर दें, जैसा बता रहा हूं जितना बता रहा हूं उतना ही करें, दाएं हाथ दाएं कंधा ढीला कर दें, बाईं थरी को पहले अंदर की तरफ लें और अब एल्बो से बांह को सीधा रखते हुए जितना हो सके बांह को कान के नजदीक लाने की कोशिश करें और अब आसन के अंत में आंखें बंद कर लें, दाहिनी तरफ झुके हुए तो दाएं हाथ दाएं कंधा और गर्दन और भी ढीली कर दें, और भी ढीली करने से आपकी बांह जो सीधी है लेकिन स्ट्रेच बढ़ता है रिब मसल्स के पास में। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें तो कम बैक स्लोली, आंखें खोलें, दोनों बाहें फिर से कंधों की लाइन में ले आए, नाउ गो ऑन द अपोजिट साइड, बायां हाथ बायां कंधा ढीला करें, दाहिनी हथेली अंदर की तरफ, बांह सीधी, एल्बो स्ट्रेट, आसन के अंत में आंखें बंद करें, बाएं हाथ कंधे और गर्दन को और भी ढीला कर दें, गर्दन को और नीचे की तरफ ले जाएं, बांह भले नहीं टच हो रही है थोड़ी अलग हो जाती है तो भी चलेगा उसमें, लेकिन जो बताया जा रहा है वो करें टू हैव द ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ दिस पोस्चर। टू कम बैक स्लोली, आंखें खोलें, दोनों बाहें फिर से कंधों की लाइन में और बाहों को नीचे ले आए, रिलैक्स। इसके बाद हम करने जा रहे हैं आखिरी पोस्चर स्टैंडिंग पोजिशन में, वो है वैसे आसन खड़े रखकर बैठकर लेटकर www.happinesseverymoment, खुशी हर पल का इंग्लिश अनुवाद होता है happinesseverymoment.com, जहां पे आपको सारे वीडियोस 32 वीडियोस हैं उसमें और सारा डिस्क्रिप्शन, मैंने बहुत सालों का अनुभव बहुत ही स्टडी करके हर एक आसन और प्राणायाम के बारे में लिखा है वहां पर, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। उस वेबसाइट में आप जाओगे तो आप देखोगे लाइफ एज ए लाइफ कोच आई बीन पुटिंग एवरी सिंगल थिंग और आगे वो आपको और अच्छा उसमें मिलता चला जाएगा। पैरों में कंधों जितना अंतर, अंगूठे को मिलाओ, एड़ियों को बाहर करो, कटी चक्रासन, कमर से शरीर को चक्र के समान घुमाना, दोनों पैरों को सीधा कर लें, शरीर पे आप फ्रंट में, हाँ, दोनों बाहें कंधों की लाइन में, दोनों ही बाहों को कमर कंधे गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएं, कमन दाएं हाथ को फोल्ड करके कमर के पास ले जाएं, अंदर की तरफ जितना डाल सके अंदर डालें, हथेली को कंधे के पास रखें, अब पेट और छाती को टर्न करें, टॉर्सो सबसे लास्ट में, गर्दन को पूरा टर्न करें, कंधे को उस पार देखें, आंखें बंद करें, जो वक्रता का निर्माण हुआ है कमर पीठ कंधे गर्दन के पास में उसे महसूस करें, फील करें, ध्यान रहे न कंधा न गर्दन झुकी हुई है, सिर्फ मरोड़ रहे हैं, वे सिंपली स्क्वीजिंग द एरिया अबव द वेस्ट एरिया। टू कम बैक स्लोली, आंखें खोलें, दोनों बाहें फिर से कंधों की लाइन में, कमर कंधे गर्दन को मोड़ते हुए ले आए, गो ऑन द अपोजिट साइड, चलें सभी बाएं हाथ को फोल्ड करके पीछे कमर के अंदर की तरफ जितना ले जा सकें ले जाएं, दाहिने हाथ की उंगली को सिर्फ फिंगर को टच करें कंधे पर, अब पेट और छाती को टॉर्सो एरिया को टर्न करें, सबसे लास्ट में गर्दन को टर्न करें, गर्दन को टर्न करने से मेरे शरीर में कमर के ऊपर के हिस्से में जो वक्रता का निर्माण हुआ है द टॉर्शन बैंड उसे महसूस करें, फील दैट पुल, काफी कसक बनती है कमर के ऊपर के हिस्से में, कमर पीठ कंधे गर्दन में। तो कम बैक स्लोली, आंखें खोलें, दोनों बाहें फिर से कंधों की लाइन में और बाहों को नीचे ले आए, जैसे हम निचोड़ देते हैं तो वर्टिब्राज में जो भी कड़ापन होता है जिसकी वजह से उसमें डिसलोकेशन आता है, तो जैसे ही वर्टिब्राज में ऐसे हम उसको मरोड़ते हैं ऐसे और ऐसे करके, तो हमारे वहाँ के मणकों के जो छोटे छोटे जोड़ हैं उनका लचीलापन बढ़ता है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों ही साइड में 2 इंच में एसिड एक्यूमुलेट होता है हमारे टेंशन की वजह से, और जैसे हम ये आसन करते हैं तो वहाँ भी मांसपेशियों में निचोड़ आता है तो वहाँ का तनाव दूर हो जाता है, जिसकी वजह से आगे यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम दिस लोअर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, अपर बैक या सर्वाइकल पेन। इसी आसन को अगर हम व्यायाम के रूप में करते हैं, व्यायाम मतलब फास्ट मूवमेंट, तो ये आपके बॉडी के किसी भी प्रकार का टाइप किसी भी एरिया की जो स्टिफनेस होती है, मेरे गर्दन में अकड़ी रहती है, गर्दन मेरे कंधे में अकड़न रहती है, सुबह में उठता हूँ तो मुझे वहाँ पर भारीपन लगता है उस पर्टिकुलर एरिया में। कभी मुझे किसी ने पूछा था पर्सनली, मुझे नहीं मिला उनके साथ बैठने को, तो बाहें कंधों की लाइन में ले आओ, कंधों की लाइन में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले सती और मैं एक राउंड को करके दिखाते हैं कैसे होता है। सी, अब क्या करना है आपको, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है और बॉडी को कमर से झुलाते हुए स्विंगिंग एक्शन में बॉडी को दाहिनी तरफ ले जाना, फिर बाईं तरफ ले जाना है। कैसे, बाहें भी कैसी होती हैं, और ऐसा नहीं है कई लोग क्या करते हैं गर्दन को घुमाते ही नहीं है, कटी चक्रासन चल रहा है, कटी मतलब कमर के पूरे हिस्से को, कमर पीठ गर्दन घूमनी चाहिए। नाउ लुक एट मी, सी हाउ आई एम डूइंग, ये देखिए स्विंग करते हो बॉडी को, सी ये देखिए सती भाई वहां दिखा रहे हैं, सीधे स्विंगिंग एक्शन, हर बार बाह को पीछे ले जाएं फोल्ड करते हुए, हर बार हथेली की सॉरी उंगली को, हाथ की उंगली को कंधे के ऊपर जस्ट टच करें, एंड कीप द बॉडी स्विंगिंग, कीप द बॉडी स्विंगिंग फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस,
Ready? Chalo, so 11 times you are going to do this posture. Start. Swing kare body ko ek se dusre sthan mein, baahon ko jhulate hue, apni kshamata anusar kare. Keep the body swinging from one to another space. Har bar hathari ko kandhe ke paas rakhe, dekhiye kuch logon ko dance karne ka mood aa raha hai. Bas. Dekhiye aap log 90% log sahi nahi kar rahe hain. 90%. I'm telling. See this. Kuch aise kar rahe hain. See this. I am not able to move my entire body from the waist area. See? ये देखिए जैसे चालू किया look at me first. ये देखिए where my hands are going. सरी आप front में दिखाइए. ये देखिए see. हर बार देखिए see this. ये देखिए I'm touching my finger to the shoulder. और हाथ को कितना पीछे ले जा रहा हूँ. See this my neck, my shoulders, my waist is absolutely moving. ऐसे करके करना है. हाँ और चुदा करो कर कर करके देखो. और ध्यान रहे fast इतना नहीं कि मेरा body फिर थोड़ा bend हो जाता. मैं ज़्यादा fast करता हूँ तो झटके के साथ नहीं प्लीज झटके के साथ में लेट द बॉडी मूवमेंट शुड बी एब्सोल्युटली फ्रीली कोई भी प्रयत्न नहीं होना चाहिए द थिंग शुड मूव एब्सोल्युटली नेचुरली एंड नॉर्मली बस 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 नहीं तो यही वजन कम हो जाए घर वाले बोलेंगे क्या करके आए वहां से रेडी बैठिए अपनी जगह पर सभी अब हम करने जा रहे हैं देखिए सबसे पहले पहले प्राणायाम होते हैं सात समय होता है 20 मिनट आइडियल टाइम फॉर प्राणायाम फॉर एवरी डे टू डे प्रैक्टिस इज 20 मिनट्स कुछ लोग सारे प्राणायाम नहीं करते हैं जो गलत है कुछ लोग मेरे पास आते हैं बलराम जी मुझे माइग्रेन है मैं कहता हूँ अनुलोम का प्रैक्टिस करो ज्यादा वही करते हैं दैट इज रॉन्ग वो करो उसको एम्फेसिस ज्यादा दो बट रेगुलर प्रैक्टिस शुड बी डन ताकि हम शरीर के सारे चक्रास को एक्टिवेट कर सकें क्योंकि शरीर हमारा एक दूसरे से कनेक्टेड है ना देयर आर 11 सिस्टम सेल्स टिश्यूज ऑर्गन कई ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनता है पाचन क्रिया विसर्जन क्रिया इम्यून सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ये 11 प्रणालियां मिलकर बनता है मेरा बॉडी वी हैव टू एक्टिवेट ऑल दोज सिस्टम्स इन द बॉडी तो उसके लिए सात प्राणायाम रोज समय होना चाहिए 20 मिनट जिसमें से दो प्राणायाम की फोर्सेस हैं नंबर वन इस कपालभाति जिसका समय 5 मिनट होना चाहिए आपके पास टाइम नहीं है 20 मिनट तो आप 10 मिनट कर्टेल कर सकते हैं उसको भाई कहीं जाना है वैसे 20 इज द मोस्ट आइडियल टाइम अगर आप नहीं कर सकते हैं तो गिव 10 मिनट्स बट गिव इट वेरी रेगुलरली और उन 10 मिनटों में आप कपालभाति को 2.5 मिनट करो नाड़ी शोधन को 2.5 मिनट करो नाड़ी शोधन प्राणायाम इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर में अगर कोई भी रोग है तो आपकी नॉस्ट्रल्स में फ्लो बैलेंस नहीं है एक नासिका बाई नासिका 60 से 90 मिनट तक फ्लो चलता है फिर यहाँ चलता है फिर यहाँ करवट क्यों बदलते हम नींद में क्योंकि जो नासिका बंद है उस साइड आप लेट ही नहीं पाओगे आपको करवट लेना ही पड़ेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको करवट बद्दी कर देता है क्योंकि नॉस्ट्रल्स का फ्लो चेंज होता है आपकी बाई नासिका जिस दिन ज़्यादा चल रही है ना मतलब आपको सर्दी लगी हुई है जिनकी बाई नासिका बहुत ज़्यादा चलती है उनको डायबिटीज़ है जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उनकी राइट नॉस्टल चलती है बहुत ज्यादा आज अब इरिटेटिव मूड में है बहुत एग्रेसिव मूड में चल रहे हैं आप चेक करो राइट इज प्रोमिनेंटली वर्किंग आप बहुत ज्यादा सुस्त हैं नर्वसनेस है काम करने का कोई उमंग उत्साह नहीं है योर लेफ्ट इज मोर वर्किंग तो बैलेंस दोनों का बहुत जरूरी है इसको जब हम ऑपरेट करते हैं तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है ये दिल है यहां से सांस को लोगे या निकालोगे तो लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ब्रेन दोनों का बैलेंस लाइफ में चाहिए इसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट प्राणायाम कहा जाता है इसको कहा जाता है चक्रा बैलेंसिंग प्राणायाम तो इसलिए इसका समय 5 मिनट रखा गया है ताकि हम दोनों को बराबर बैलेंस कर सकें ज्यादा दिमाग चलोगे तो शैतान बन जाओगे ज्यादा दिल चला तो भावुक हो जाओगे दोनों में आपका नुकसान है यू शुड लीड द लाइफ बाय लेफ्ट बट मैनेज बाय राइट बच्चे को बोल रहे हैं बाप हूं तेरा मैं हाउ यू कैन डू लाइक मी हाउ यू कैन टॉक टू मी लाइक दिस और वो भी शादी तान के बात कर रहा है तो आपको दिल में रहम की भावनाओं को लाना ही होगा थिंग्स कैन नॉट गो दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट रेडी चलिए अब हम करने जा रहे हैं सेकंड प्राणायाम जिसका नाम है भस्त्रिका इसका समय होता है 2 मिनट और इसके नंबर ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी 40 से लेकर 60 तक स्ट्रोक्स इसके आप ले सकते हैं भस्त्रिका मतलब छाती की ब्रीदिंग थोरासिस ब्रीदिंग भस्त्रिका मतलब छाती का बलगम को दूर करना हमारे फेफड़ों के जो डेड स्पेसेस हैं उनको क्लियर करना
और भस्त्री का से पूरे शरीर में गर्मी आती है, वार्मनेस, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहता है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, प्रत्येक सेल को जीवन मिलता है, राइट। भस्त्री का मतलब चेस्ट ब्रीदिंग। तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट भस्त्री को याद रखनी है आपको। पहले तो भस्त्री का स्टार्ट करना है आउट से विथ एक्सहेलेशन, राइट। उसके बाद में आपको सांस को छोड़ना है, लेना है दोनों ही बार नासिका से घर्षण का आवाज। नहीं करोगे तो चेस्ट मूवमेंट नहीं आएगा, थोड़ा सा ब्रीदिंग है ये। दूसरी बात, लेना और छोड़ने की जो जो इंटेंसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए मात्रा। लोग ज्यादा छोड़ते हैं फिर पेट में सांस चली जाती है, भस्त्री का गलत रहता है। और तीसरी बात जो है, पहली बात स्टार्ट करना है ऑलवेज एक्सहेलेशन से, सेकंड थिंग आपको लेना और छोड़ने के साथ में लगातार नासिका से घर्षण का आवाज करना है, तीसरी बात लेना और छोड़ना इक्वल है, और चौथी बात लेने छोड़ने के बीच में मोमेंटरीली पॉज होना चाहिए। यू कैन नॉट डू भस्त्री का लाइक दिस, ये देखिए, विल गेट टायर्ड सून, दिस नॉट भस्त्री का। इन बिटवीन थोड़ा पॉज लेना है, कैसे आई विल शो यू। स्टार्ट विदाउट, दोनों बार नासिका से घर्षण का आवाज अपनी क्षमता अनुसार। हम तो पहले 5 स्ट्रोक सिर्फ कराते हैं, सर भारी हो जाता है, जो लोग नहीं करते हैं ना उनका सर भारी हो जाता है, क्योंकि जितने भी फोर्सेस वाले प्राणायाम होते हैं द ब्लड उतने ही प्रपोर्शन में रश होता है ब्रेन की तरफ, और कभी यहाँ की नसों को हमने उसका उसका अनुभव ही नहीं कराया, तो वन फील्स क्वाइट हैवीनेस हियर। रेडी, देखिए पहले ये सती भाई, यू कैन शो, इवन आई विल बी शोइंग। आंखें बंद करके पहले सांस को बाहर निकालें, और अब देखना यहाँ पर है ना चेस्ट में मूवमेंट आपको मिलेगा यहाँ पर। रेडी, आए समझ में? और जरा भी सर भारी होता है तो आप इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस को कट ऑफ करोगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। या तो फोर्स को कम करो या प्रैक्टिस को इमीडिएटली रोक दो विदाउट कॉजिंग द टेंशन ओवर हियर यू टू कंटिन्यू। रेडी, चलो सभी, पहले सांस को छोड़ो, सांस को भरते और छोड़ते समय घर्षण का आवाज करो नासिका से, और 3 राउंड करो, जहां तक आप जितने राउंड ले सकते हैं एक राउंड में। सती भाई कॉन्स्टेंटली सामने दिखा रहे हैं, मैं चेकिंग के लिए चला हूं, तो जहां भी आपको लगता है ना कि मैं थक रहा हूं, बस थोड़ा ठहर जाएं, जस्ट रिलैक्स एंड अगेन रिज्यूम, जस्ट रिलैक्स एंड अगेन रिज्यूम। कंधों को ऊपर नहीं, कंधों को ऊपर नहीं, जानबूझ के सिर्फ नासिका से आपके चेस्ट को ऊपर उठाओ, एट द कॉस्ट ऑफ फ्रिक्शन साउंड फ्रॉम द नॉस्टल्स, रेज योर चेस्ट अप। आप कपालभाति कर रहे हैं, ये देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। अभी कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, पेट में ब्रीदिंग जा रही है। सी, ये देखिए, लुक एट मी, ये देखो, सी, चेस्ट शुड गो वर्टिकली एंड डायगोनली अप, सी दिस, इस तरह चेस्ट बाहर जाना चाहिए। कंधों के आधार पर आपको चेस्ट को ऊपर नहीं उठाना है, वो रॉन्ग ब्रीदिंग हो जाती है। अगर आप बीच में कपालभाति, बीच में अगर आप ब्रीद आउट को थोड़ा एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन को अगर आप थोड़ा ज्यादा वेटेज देते हैं, सी दिस, न कपालभाति है ना भस्त्री का है, मैं फोर्स के साथ में सांस को बाहर छोड़ रहा हूं, नासिका घर्षण का आवाज आएगा ही नहीं ना, तो फिर आवाज अगर ऐसी आ रही है, पेट अंदर जा रहा है, प्रैक्टिस गलत हो जाएगी। चलो फिर से करो, स्टार्ट विथ आउट, थोड़ा पॉज हो इन बिटवीन, अभी आपका बराबर हो रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट नाउ, एब्सोल्युटली डाउट, और पूरा फोकस आपके नासिका पर रखो, आपका कपालभाति हो रहा है, कपालभाति हो रहा है, कपालभाति हो, यू आर डूइंग कपालभाति, एक्सपांड योर चेस्ट, द चेस्ट मस्ट एक्सपांड विथ एवरी इनहेलेशन, पूरा फोकस आप चेस्ट पर रखें, थोड़ा सा ब्रीदिंग है ये, चेस्ट ब्रीदिंग, रिलैक्स, रिलैक्स। आपको नेट पे अगर आप जाओगे वेबसाइट में तो आपको बहुत अच्छे से वहां सीखने को मिलेगा, एवरीथिंग आई हैव डन इट पर्सनली, तो वहां से आपको और परफेक्शन मिलेगा, और राइटिंग भी मैंने दी है वहां से भी आपको पता चल सकता है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर प्राणायाम, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मतलब मुझे अपने मन पर छाए हुए गुबार को, पहले के लम्हे की कोई भी बात को, चाहे वो 1 महीना, 1 साल या 15 साल पुरानी है, आई मस्ट टेक इट आउट, अदरवाइज आपको इतना ज्यादा उसका टैक्स भरना पड़ेगा रिलेशनशिप में, फिजिकल हेल्थ में,
रिफाइनिंग मतलब हम अपने दिमाग में जो गुबार भरा हुआ है उसको बाहर निकाल रहे हैं। जिंदगी का मजा नम्रता में है, जिंदगी का आनंद क्षमा भाव में है, लेकिन हम नहीं कर पाते। ईगो आता है आगे, बातें जकड़ लेती हैं दिमाग में, इसने ऐसा किया है मेरे साथ में, क्या नहीं दिया, क्या नहीं किया, आई कैन नॉट फॉरगिव हिम, दिस वी टेल अवरसेल्व्स। रिजल्ट क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा है कि जलता हुआ कोयला अगर हम हाथ में लेकर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं किसी और के ऊपर हम फेंक कर मारेंगे, हाथ तो मेरा अपना जल रहा है। तो दिस क्या करता है कि ईगो को घटाता है। और फिजिकल लेवल पर हम देखने जाएं तो हमारे फेफड़ों के तीन, फेफड़ों के लोअर लोब जो होते हैं, बाईं तरफ दो फेफड़े हैं, लेफ्ट सॉरी बाईं तरफ दो फेफड़े हैं, सेक्शंस लोअर एंड अपर, लोअर में अपर में हार्ट जाता है और फिर यहां पर तीन, लोअर मिडिल एंड अपर। लेकिन हम लोग क्या है, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, चिंतित भयभीत अशांत, बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं, वी बिकम क्वाइट, वी लूज अवर टेम्पर वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ दिस। हमारी पेट की ब्रीदिंग खत्म हो चुकी है, वर ऑल द चेस्ट ब्रीदर्स राइट, उसकी वजह से क्योंकि हम सांस तेज लेते हैं तो दिस एरिया ऑफ द लंग्स रिमेन्स अनयूज्ड। जो लोग मेरे पास आते हैं, बलराम सर हम चल नहीं पाते, मैंने देखा कि 8 दिनों के बाद वो आधा घंटा चल पाते हैं। सच ए ब्यूटिफुल प्राणायाम इज दिस। ये देखिए इस प्राणायाम में क्या होता है, एक ही सांस के 5 टुकड़े, एक ही सांस, रिफाइनिंग एक्सरसाइज। अगर आप टाइप करोगे नेट पे जाके गूगल में रिफाइनिंग एक्सरसाइज नंबर 4, एसन तावरिया जी की टेक्निक है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया कि हाउ इट वर्क्स ऑन योर ब्रेन, पढ़ना जाके उसमें रिफाइनिंग एक्सरसाइज, रिफाइनिंग एक्सरसाइज 4th नंबर का प्राणायाम है ये 6 में से, नंबर 4 ही इज ब्यूटिफुली कोटेड कि हाउ इट वर्क्स ऑन द ब्रेन, हमारे दिमाग पर जो ठहरी हुई बातें हैं कैसे उस पर काम करता है प्राणायाम। रेडी, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक ही सांस में, यू कैन सी बोथ ऑफ अस, एक ही सांस के 5 टुकड़े, ये देखिए इस तरह, छोड़ने के पहले थोड़ा पॉज लेना है और जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं ना ऐसे आपको सांस को बाहर फेंकना है राइट। ये देखिए सी, सदी भाई करेंगे आप भी, सी I'll show you, आप करिए 1 2 3 4 5 होल्ड एंड आउट, अगेन 1 2 3 4 5 होल्ड एंड आउट। छोड़ने के पहले आपको थोड़ा होल्ड करना है क्योंकि जब हम सांस को रोक लेते तो मेरे शरीर में शक्ति आ जाती है और अगर मेरा एक्सहेलेशन फोर्सफुल है तो क्या होता है, लंग्स के निचले लोब्स में वापस ये होता है, मतलब एक्सचेंज होता है और आपको क्षमता शारीरिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसमें। रेडी, नहीं कर सकते वो 3 बार लेंगे मेरे, मैं तो 7-8 बार करता हूं, जितने बार आप ले सकें 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन 5 इज द नॉर्मल। नहीं कर सकते, यू आर एस्थमेटिक तो यू कैन डू फॉर 3 टाइम्स, लेकिन छोड़ने के पहले यू हैव टू होल्ड फॉर सम टाइम एंड देन एक्सहेल आउट फोर्सफुली। सभी मेरे साथ ऐसे करो, बस बस बस, राइट राइट, दिस इज राइट वे। ओके, कितने बार करना होता है इसको, 12 बार। नहीं नहीं नहीं, एक बार एक ही सांस के 5 टुकड़े, चाहे वो 3 करो, चाहे 5 करो, चाहे 10 करो, चाहे 8 करो, राइट, अगेन यू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। इट इज नॉट ए कंडीशन, जो लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही सांस के कुछ आपको टुकड़े करने होंगे, 3 4 5 या फिर उसके आगे भी कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा, यू गॉट इट ना। रेडी, चलें सभी, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट। देखिए आप लोग है ना बहुत जल्दबाजी करते हैं छोड़ने में, इसने ऐसा क्यों बोला मेरे को, हाउ यू कैन टॉक टू मी लाइक दैट, रिएक्टिव नेचर, द बॉडी इज रिफ्लेक्टिंग। कॉन्शियसली होल्ड करो, कॉन्शियसली होल्ड करो, सी लुक एट मी, यहां की बातें बाहर निकालना, थोड़ा होल्ड करके निकालो, यू गेट द पावर इन द बॉडी। कोई भी काम मुझे करना है, मुझे इसको सरकाना है, बहुत हैवी है, I cannot, क्या करूंगा मैं, सांस को रोक लूंगा, ऑटोमेटिक शरीर को शक्ति मिलती है अंतरंग कुंभक में। ओके,
लास्ट टू राउंड फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, बस। देखिए चौथे नंबर का प्राणायाम होता है बाह्य प्राणायाम, जिसमें हम पेट और पाचन के लिए करते हैं बाह्य प्राणायाम, सांस को भरकर छोड़ते हैं और त्रिबंधास को लगाते हैं, तो उसका जिक्र मैं कल आपको डिटेल में कराऊंगा। उसके बाद आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, लेफ्ट से अंदर राइट से बाहर, राइट से अंदर लेफ्ट से बाहर। और छठे नंबर का प्राणायाम होता है भ्रामरी, और सातवें नंबर पर आता है ओम चैंटिंग। कपालभाती 5 मिनट, नाड़ी शोधन 5 मिनट, 10 मिनट हो गए, बाकी बचे 5 प्राणायाम। भस्त्रिका 2 मिनट, जिसके स्ट्रोक्स तकरीबन 40 से 50 से 60 होते हैं 1 मिनट में। उसके बाद आता है बाह्य प्राणायाम, जो हम 5 राउंड रिपीट करते हैं। रिफाइनिंग मैंने आपको बताया इसका समय 1 मिनट होता है, 12 बार करते हैं। और फिर आता है नाड़ी शोधन 5 मिनट्स, देन बिकम्स भ्रामरी एंड देन बिकम्स ओम चैंटिंग। तो भ्रामरी सभी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी कान कुठे पर्दों को बंद करें, आंखों को ढांकें, टच नहीं करना आंखों को, धीमी गरी सांस भरें, ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में रखें। नाउ टेक ज्ञान मुद्रा, पाम फेसिंग अप, ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में रखें, प्रणव प्राणायाम ओम करेंगे, धीमी गरी सांस लें। रब ये पाम्स फोर्सिबली, दोनों ही हथेलियों को आपस में घर्षण करें, पामिंग कहलाता है, ये चश्मे का नंबर इसे कम होता है और आंखों की ज्योति बढ़ती है। वेरी फोर्सिबली रब ये बोल द पाम्स, और अब दोनों ही हथेलियों के लोअर भाग को आप आंखों पर, बंद आंखों पर ले जाकर टच करें, फील इट्स वार्मनेस विच एक्टिवेट्स द ऑप्टिक नर्व। और अब धीरे से दोनों हथेलियां नीचे लें और सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, और थोड़ा अलग अलग होकर खड़े हो जाएं। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपके हर विचार पर उसके अनुरूप आपके जिंदगी में तस्वीरें खड़ी करता है। वो कहो जो आप चाहते हैं, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, अशांत हूँ, भयभीत हूँ, मेरे भाग्य में नहीं है, इट्स नॉट वेट फॉर मी, इट्स टू लेट, से व्हाट यू वांट। और उसका बेस्ट टेक्निक है इन द फॉर्म ऑफ एफर्मेशन टू चेंज द लिमिटिंग बिलीफ्स। फिर मंत्र रखें फीलिंग के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशन में आ जाएं। मैंने कल भी बताया था कि बॉडी को पूरा एक्सपांड करो एवरी टाइम, व्हेन यू ऐड द इमोशन टू योर थॉट्स, द वाइटलिटी इन द थॉट्स बिकम्स क्वाइट एक्टिवेटेड, और फीलिंग के साथ अट्रैक्शन उसका ज्यादा बढ़ जाता है। शरीर पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर, एज इफ यू ऑलरेडी हैव दिस व्हाट यू आर सेइंग, यस, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, हर दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। जिंदगी हसीन है, जिंदगी लाजवाब है, लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज वंडरफुल, I like myself. I love myself. I am great. I am genius.
Now last five affirmations. Bhagwan mera saathi hai. Bhagwan mera saathi hai. I love God. God loves me. I am the best. I can do it. I am the winner. I